नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का 3D टीजर आज जारी होने वाला है। जब से श्री राम की नगरी अयोध्या में ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म का 2D टीजर जारी किया गया है, तभी से मेकर्स को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के पोस्टर जारी होने के बाद से फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के लुक को ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म के रिलीज से पहले ही मेकर्स और स्टार कास्ट द्वारा की गई गलतियों की वजह से फिल्म के फ्लॉप होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। आखिरकार वह कौन सी गलतियां जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए में बनी फिल्म ठप पड़ सकती है? फिल्म के मेकर्स ने ऐसा क्या किया कि प्रभास फ्लॉप की हैट्रिक लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। दर्शक आदि पुरुष के लिए काफी उत्साहित थे। ब्रह्मा अस्त्र की रिलीज के बाद से दर्शकों की उम्मीद और बढ़ गई, लेकिन फिल्म के टीजर ने दर्शकों को निराश कर दिया। इसकी मुख्य वजह फिल्म का VFX। फिल्म का VFX इतना ज्यादा खराब है कि उन्हें VFX नहीं धोखा कहा जा रहा है। यूजर्स का कहना है कि यह किसी कार्टून या एनिमेशन मूवी से भी खराब है। सोशल मीडिया पर सैफ अली खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैफ अली खान कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह अपने बच्चे का नाम राम नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह तैमूर या ऐसा कोई नाम रखने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बता दें कि यह बयान आदि पुरुष की रिलीज से पहले ही सामने आया था, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स इसे शेयर कर फिल्म का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। राम का किरदार निभाकर कई सितारे अमर हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम अरुण गोविल का है, जिनके सामने आज भी जनता आदर से झुकती है, लेकिन प्रभास का लुक और एक्टिंग दर्शकों के दिलों में छाप नहीं छोड़ पाई। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें, आदि पुरुष में सैफ अली खान का लुक विवादों का वजह बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजर्स रावण के लुक पर सवाल उठा रहे हैं। नेटिजन्स का कहना है कि यह रावण नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी लग रहे हैं। इसी तरह की बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।